नमस्कार, कंट्री इनसाइड न्यूज दिल्ली ब्यूरो से मैं शशिकांत। चंपारण के लाल कुणाल भूषण का छात्रों को संदेश, पढ़ाई करते समय अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखें और उसके बाद पढ़ाई करें, उनको तरक्की मिलेगी। अभी वर्तमान में पुणे में कार्यरत है और ये बीपीएससी यूपीएससी में भी क्वालिफाई किए हैं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और ये आप मोतिहारी के मैंने चंपारण के लाल हैं, इसके बारे में युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मेरी कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों चंपारण रही है। यहाँ पे युवाओं को लिए संदेश देना चाहता हूँ कि देश में बेरोजगारी की समस्या तो है, लेकिन इसके लिए निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही ढंग से अपनी कार्यनीति और रणनीति बनाकर तैयारी करेंगे तो आपको रोजगार के अवसर मिलेंगे। जरूरत है कि आप अपना लक्ष्य पहले तय कर लें कि कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, फिर उसको आप उसके सिलेबस देखें, उसके अनुसार आप पैटर्न देखें कैसे पैटर्न आ रहे हैं, और एक लक्ष्य में तैयारी करें। आप अलग अलग दिशाओं में भटकेंगे तो क्या है कि आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी पॉजिटिव सकारात्मक जो दिशात्मक कारण नहीं हो पाता है, इसके जरूरी है कि आप लक्ष्य तय करें, एक दिशा में आगे बढ़ें और रोजगार के अवसर हैं, इसके लिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। तो मैं यही अपने जो मेरे युवा भाई हैं मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, अपनी जो ड्रीम है उसको प्राप्ति के लिए अभी जो उसके लिए आप पूरी तरह से निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करें और आपको सफलता मिलेगी। अच्छा, आपका पैतृक गांव जो सरिया पंचायत के मोहनपुरा गांव है, वहाँ की युवाओं के लिए आप संदेश देना चाहेंगे? पहले मैं उसी गांव में रह कर पढ़ाई किया हूँ, तो वहाँ की अवसंरचना का अभाव है, मतलब स्कूल के लिए जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है, थोड़ा शैक्षणिक व्यवस्था भी उतनी पिछड़ी हुई है, लेकिन इसके लिए भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अपनी जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, ठीक है, और आजकल बहुत सारे जो सुविधाएं हैं ऑनलाइन मीडिया पे अवेलेबल हैं, तो उसका सहारा लें, उसके अगर पढ़ाई करें, ठीक है, और फिर अवेयरनेस रखें कि क्या क्या समाज में हो रहा है, अपनी शैक्षणिक व्यवस्था में क्या प्रगति हो रही है, एम्प्लॉयमेंट देखते रहें, क्या रोजगार के साधन हैं, क्या क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता है, उसके अनुसार से अपनी क्षमता के हिसाब से तय करें और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई फोकस करें, आपको पूरा लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। और इस तरह से जो भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आप लोगों की सहायता के लिए भी तत्पर रहती हैं, तो जरूरत है कि आप अपना लक्ष्य तय करें, उसके बाद इन लोगों का सहयोग लें, ऑनलाइन सुविधा लें, रोजगार का देखते रहें कौन कौन से रोजगार आ रही हैं, और इसके अनुसार से अपनी जो दिशा है तय करें, तो आपको सफलता मिलेगी। आप अपने पढ़ाई कैसे किए, थोड़ा सा इसके बारे में मैंने युवाओं को बताइए। मैं तो अपनी जो मेरा सिलेक्शन हुआ है इसके लिए मैंने अपना जो रणनीति है तय कर लिया था। सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो सबसे पहले ये तय होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, ठीक है। इसके लिए आप वेबसाइट पर जाएं, जैसे आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, बीपीएससी तैयारी करनी है, तो दोनों की वेबसाइट में आपको जाना पड़ेगा, उसका डाउनलोड कर लें, प्रिंट आउट कर लें, उसका सिलेबस क्या है उसको रूम में आपने लगा लें जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको ये होना चाहिए कि आपको बिल्कुल गीता की तरह याद होना चाहिए वो सिलेबस क्या है। सिलेबस होने के बाद उसको जो प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको देखें, कैसे कैसे पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पता हो, लेकिन एटलीस्ट जो कुछ पैटर्न के हिसाब से हैं उसका अधिकांश चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आप सिलेबस और पढ़ना पैटर्न नहीं दिखेंगे तो आप क्या है कि आप पढ़ेंगे लेकिन आप भटकाव का शिकार हो जाएंगे, आपकी जो ऊर्जा है अलग अलग दिशाओं में भटक जाएगी। इसलिए आप पहले सिलेबस देखें, फिर बी एस एफ क्वेश्चन पेपर देखें, उसके बाद आपको बेसिक कंसेप्ट के लिए ज़रूरी है कि आप NCERT किताब पढ़ें, 6th 7th से लेके 11th 12th तक NCERT किताब पढ़ें, उसके बाद बहुत सारे जो न्यूज़ पेपर पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़ पेपर में क्या क्या चल रहा है, मार्केट में चल रहा है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, समाज में क्या चल रहा है न्यूज़ पेपर पढ़ें, खुद का अपना नोट्स बनाएं, किसी और नोट्स के भरोसे नहीं रहें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट दें, या तो प्रीलिम्स की हो या मेंस की हो या इंटरव्यू के लिए, आपको प्रीलिम्स के लिए आप जितना सारा सेट लगा सकें मॉक टेस्ट को लगाएं, मेंस के लिए रोज़ अभ्यास करें, इंटरव्यू के भी अपने दोस्तों के साथ मॉक इंटरव्यू की तैयारी करें, सभी की आप साथ साथ मॉक करेंगे तो जो रियल एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के समय आपको काफ़ी कम्फर्ट महसूस होगा, आप नर्वस नहीं होंगे। तो मेरी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी यही रही है और मैं ऐसा करता हूँ आप लोग भी करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। ये कुणाल भूषण जी हैं,
जो 2015 बैच में चयनित हुए हैं, यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं। और ये चंपारण का नाम जो है ना, गौरव से मैंने किए हैं, पुरानित किए हैं। तो मैं अब रंजय कुमार मोतिहारी से।